सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बगल में प्रेस करें बेल आइकन बटन को लेटेस्ट वीडियो के लिए। बोलो अई माता की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूँ जिसके करने से आपके ऊपर अई माता की कृपा प्राप्त होगी, आपके बच्चों पर कभी कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं आएगा, अई माता की सदा ही कृपा बनी रहेगी। तो आप उपाय को पूरा सुने। अई माता का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है। इस व्रत को बेटे वाली स्त्रियां करती हैं। इस व्रत के दौरान आपको यह उपाय करना है। आपको अपने सभी बेटे और बहुओं को पूजा के समय अपने पास बैठा लें। जिस टाइम आप अई माता की पूजा करें उस टाइम पूरे परिवार को साथ में लेकर के पूजा करें, सभी को वहाँ पर बैठाएं और बेटे और बहुओं को आप जो है पूजा करवाएं उनके हाथ से और उनको अई माता की कथा सुनाएं। अई माता की पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद आपको जितने बेटे हों उतने गेहूं के दाने लें और जितने बेटे की शादी के वर्ष बीत गए हों उतने दाने लें। ये सभी दाने बेटे के हाथ से अई माता के चरणों में रखवाएं और उनसे अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करें। फिर पूजा और कथा करने के बाद वह दाने वहीं रखे रहने दें। फिर दूसरे दिन उन गेहूं के दानों के हिसाब से सुनार से जा करके चांदी के दाने बनवा करके लाएं, चांदी के बीज जैसे माला में हो जाए। जितने गेहूं के दाने थे उतने चांदी के दाने गिन करके बनवाएं। अगले साल वही अष्टमी व्रत आने पर उन दानों के ऊपर माता अऊ की पूजा करें। माता अऊ की पूजा करते समय वह दाने सामने रखें, अऊ माता की कथा सुने। सुनने के बाद दो तीन दिन के लिए वह माला पहन लें, यानी जो दाने आपने बनवाए हैं उनकी माला बना करके अऊ माता के साथ और वह पहन लें। पहनने के बाद में दो तीन दिन के बाद वह उतार दें और उसे सुरक्षित जगह पर रख दें। हर साल आपको ऐसा ही करना है, हर साल उसमें दाने बढ़ाते जाएं। तो आपको ये उपाय अच्छा लगा होगा, माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। वीडियो को शेयर और लाइक करें। नमस्कार।